हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो यहाँ पर आई हुई थी उसके संबंध में। यहाँ पर नियुक्ति आदेश जारी कर दिए गए हैं, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा नैनीताल, शिक्षा भवन भीमताल नैनीताल, तो 8 अक्टूबर को यहाँ पर रिलीज कर रखा है। और नियुक्ति आदेश तो यहाँ पर देख सकते हैं, निर्देशक प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड देहरादून, जो कि पत्रांक संख्या आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, 14 दिसंबर 2018 के क्रम में जो है उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली 12 एवं उत्तराखंड शासन की शिक्षा विभाग देहरादून की अधिसूचना संख्या जो कि आप लोग देख सकते हैं 14 दिसंबर 2018 पंचम संशोधन जो आपका यहाँ पर टीटी बेस पर यहाँ पर किया गया था। और इसके अधीन जो यहाँ पर जनपद के दुर्गम क्षेत्र में जो है राजकीय प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक वेतन क्रम 35,400 स्टार्टिंग जो कि 6 लेवल के हैं, इन पदों पर जो है नियुक्ति हेतु तो यहाँ पर विज्ञापन संख्या जो कि यहाँ पर जारी किया गया था आपका 6 मार्च 2019 को, यानी कि जो आपका टीटी बेस पर जो भर्ती थी आपकी 2018-19 वाली, यानी कि 2019 में आपके विज्ञापन निकाला गया था इन पदों पर, ठीक है, तो आमंत्रित किए गए थे। और यहाँ पर जो है निर्देशक प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड देहरादून पत्रांक संख्या आप लोग देख सकते हैं 14 सितंबर 2021 में जो है दिए गए निर्देशों के अनुपालन में जो है उक्त विज्ञप्ति के सापेक्ष जो है निम्नलिखित अभ्यर्थियों को जो यहाँ पर जनपदीय चयन समिति के अनुमोदनोपरांत यहाँ पर जो है उनको उनके नाम के सम्मुख जो है स्तंभ 7 में जो है पर अंकित विद्यालय में जो है यहाँ पर सहायक अध्यापक वेतन क्रम 35,400 स्टार्टिंग जो सैलरी मिलेगी इनकी, तो 6 लेवल का है, 2 वर्ष के यहाँ पर जो है पर्यवेक्षी काल पर जो है यहाँ पर नितांत अस्थायी रूप से यहाँ पर जो है नियुक्ति प्रदान की जाती है। तो यहाँ पर जो है नियुक्ति प्रक्रिया इनकी हो चुकी है, इनके नाम मैं आपको नीचे दिखा दूंगा। ये आपके टीटी बेस पर जो सिलेक्शन हुए थे एमटेट उनका यहाँ पर है, तो इनका यहाँ पर सिलेक्शन हो चुका है। और ये जो है नितांत जो अस्थायी रूप से रहेंगे 2 वर्ष के लिए, ठीक है, 2 वर्ष में, क्योंकि आपको पता है केस इसका यहाँ पर है। और हर एक नियुक्ति में जो है आपको यहाँ पर नंदन सिंह बोरा वाला केस का यहाँ पर उल्लेख जरूर मिलेगा, यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जब तक केस क्लियर नहीं हो जाता हाईकोर्ट से, क्योंकि अभी विचाराधीन ही है, तो इस वजह से इनकी यहाँ पर जो है 2 वर्ष पर जो है अस्थायी रूप से निकाल रखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्लियर हो जाएगा उसके बाद जो भी यहाँ पर फैसला आएगा उसके हिसाब से यहाँ पर रखा जाएगा, इनको निकाला जाएगा जो भी होगा यहाँ पर, ठीक है। तो अभ्यर्थी का नाम देखते हैं यहाँ पर, नीरज कांडापल के नाम है और इनमें यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर देखते हैं, और यहाँ पर अभ्यर्थी का पता आप लोग यहाँ पर देखते हैं सामान्य जाति से हैं। और इनको जहाँ पर जो आपका प्राथमिक विद्यालय मिल रहा है वो राजकीय प्राथमिक विद्यालय बलना जो कि ओखल कांडा में है, और इनका सिलेक्शन यहाँ पर विज्ञान उत्तर में सिलेक्शन हो रखा है। और वही यहाँ पर खेवानंद का है, इनका सिलेक्शन यहाँ पर, देखिए इनका नाम बहुत जगह से आया रखा था, तो यहाँ पर जो है मेरे ख्याल से इन्होंने यहाँ पर इनका नाम फिर से आ गया है, देख सकते हैं, क्या पता कहीं और ले रखा हो या यहाँ पर लिया ना हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो अनुसूचित जाति से है यहाँ पर, और इनका जो है प्राथमिक विद्यालय राजकीय प्राथमिक विद्यालय यहाँ पर काला आगर है यहाँ पर, जो कि आपका ओखल कांडा में विज्ञान वर्ग से इनका सिलेक्शन हुआ है। और भुवन सिंह है यहाँ पर, गोविंद सिंह करके हैं इनका पिताजी का नाम, और सामान्य जाति से हैं, और ये जो है राजकीय प्राथमिक विद्यालय, ठीक है, गोगड़ा है तो ओखल कांडा में ही है, विज्ञान उत्तर में है, ठीक है। और वहीं यहाँ पर श्रीमती मोनिका है, इनका सिलेक्शन हो रखा है अनुसूचित जाति से, और यहाँ पर जो है सुंदरखाल कोटा बाग में प्राथमिक विद्यालय में इनका सिलेक्शन हो रखा है विज्ञान वर्ग से। और जैसे कि मैंने आपको बता रखा कि ये जो आपका यह जो है नियुक्ति माननीय जो उच्च न्यायालय नैनीताल, इसमें हर एक इसमें लिखा जाएगा, क्योंकि नियुक्ति प्रक्रिया जो है अभी कंप्लीट नहीं हुई है आपकी, जब तक केस चलता रहेगा, तो ये नियुक्ति प्रक्रिया जो है आपकी माननीय उच्च न्यायालय के जो कि रिट संख्या आप लोग देख सकते हैं नंदन सिंह बोला उत्तराखंड राज्य अन्य बनाम आपका अधीन रहेगा। और नवनियुक्त जो शिक्षक है उनकी नियुक्ति विद्यालय में जो है कार्य भार ग्रहण करने हेतु तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का जो है यहाँ पर मार्ग भेद देय नहीं होगा, और यह नियुक्ति जो है नितांत अस्थायी है, तो यहाँ पर जो अस्थायी रखा गया है अभी परमानेंट नहीं किया जाएगा, 2 साल के बाद परमानेंट किया जाएगा, ठीक है, परमानेंट होंगे जब तक केस चलेगा तब तक का है, या 2 साल का, 2 साल के परमानेंट किया जाएगा आपका, ठीक है। किसी भी समय जो यहाँ पर 1 माह जो है पूर्व नोटिस अथवा यहाँ पर 1 माह का वेतन देकर जो है समाप्त की जा सकती है, तो यहाँ पर ये अस्थायी तौर पर है। और अगर आपको निकालना होगा तो 1 महीने पहले ये नोटिस जारी करेंगे, साथ में 1 महीने की सैलरी भी देंगे, और उसके बाद निकाल दिया जाएगा, ऐसा हमें बताया गया है। और नियुक्ति जो है शिक्षक है उनके जो आवंटित विद्यालय है 15 दिन के भीतर जो यहाँ पर कार्यभार ग्रहण करना आवश्यक यहाँ पर अनिवार्य होगा, तो 15 दिन के भीतर भीतर, ठीक है, 8 को डिलीट कर दिया गया है, तो 15 दिन का समय दिया है इन सभी को। अगर 15 दिन के अंदर इनका यहाँ पर जो है नियुक्ति पत्र इन्होंने जो है इन्हें अपने जो आवंटित विद्यालय है वहाँ पर अपना कार्यभार नहीं किया तो इनकी नियुक्ति प्रक्रिया जो है समाप्त कर जाएगी स्वतः, ऐसा बताया गया हुआ है, ठीक है। तो
तो चार अभ्यर्थी के नाम यहाँ पर आ रखे हैं और जो कि अस्थायी रूप में हैं, जैसे कि मैंने बताया था जब तक कि अब केस क्लियर नहीं है तब तक ये अस्थायी रूप से रहेंगे, उसके बाद परमानेंट कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये है इनके नाम है और इनमें सूची आपके अभ्यर्थी की सूची जारी किया हुआ है।